हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फहीम अंसारी, मैं अभी नेरल में हूँ और नेरल में जैसे दामाद गांव में मेरी जो साइट चालू है यहाँ पे काफ़ी पजेशन होने वाले हैं, तो मैं अली सालेम जी का जो पजेशन देने आया हूँ और अभी उनके रूम जो है पूरा रेडी हो चुका है। ये रूम के अंदर शिफ्टिंग भी लेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से रूम बना करके हमने इनको दिया है। पहले हम लोग जो है यहाँ का पहले आपको दिखा देते हैं कितना काम हुआ है। चलते हैं हम लोग बैक साइड में पहले, और यहाँ से पहले आप देखेंगे कि कितना सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से ये देखिए, आपके हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप ढोलपुरी पूरी कंप्लीट, यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारी पीछे की जो वहाँ से रोड से जितनी भी साइट थी हमारी, वो टोटल कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जितने भी रूम है ये सब रूमों का पजेशन अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। ये 12 फीट का रोड है, आप जैसे देख रहे हो ये 12 फीट का रोड, ये वहाँ पे मेरी कार खड़ी है, ये 12 फीट का रोड पूरा यहाँ तक के निकल जाता है। ये आपके आप देख सकते हैं सामने, ये पूरा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोग जो है जिस रूम का पजेशन दे रहे हैं अली सालिम जी का, सालिम जी का, तो देखते हैं उस रूम के अंदर इन्होंने क्या काम करवाया है, क्या क्या काम हो चुका है। तो आइए हम लोग उनके रूम को देखते हैं। अभी आपको अच्छा लग रहा होगा जैसे कि देखने के बाद यहाँ पर चेकर्स लादी लग जाएगी तो और अच्छा लगेगा। पूरे रूम का पजेशन होने के बाद में यहाँ पे चेकर्स लादी लग जाती है। अभी टोटल काम बहुत तेज़ी से चालू है, अभी बहुत तेज़ी से हवा भी आई यहाँ पर। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर पूरे टोटल ग्रिल लगना बाकी है, ग्रिल लगी नहीं है अभी हमारी। तो ये है इनका 1 BHK का रूम, 300 स्क्वायर फीट का। तो अली सालिम जी का रूम देखते हैं किस तरीके से हमने इनका रूम बना के दिया है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंदर। ये रहे इनका रूम, ये यहाँ पे ग्रीन मार्बल का फ्रेम जो हमारे कस्टमर को कंप्लीट करके देते हैं वैसा ही हमने इनको कंप्लीट करके दिया है। सामने जो कि यहाँ पे ये टाइल्स की चॉइस जो है, ये जैसे आप देख सकते हैं पूरा टाइल्स वगैरह जो है अली सालिम जी ने पूरा चॉइस किया है, अली भाई ने। ये देखिए कलर का कॉम्बिनेशन, और ऊपर जो है पूरी लाइट वगैरह सब लग गई है लेकिन लाइट नहीं है। रीज़न क्या है, अभी बहुत सारी तेज़ी हवा चल रही थी, तेज़ हवा के कारण लाइट चली गई। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये पूरा 1 BHK का रूम है, यहाँ पे होल्डर और यहाँ पे AC का पॉइंट इन्होंने लगवा के लिया है। और ये पूरा का पूरा हॉल है इनका। आपको ये हॉल कैसा लगा और 1 BHK के रूम के अंदर कलर वगैरह कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये इनका बेडरूम है, बेडरूम के अंदर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे भी पूरा कलर, और ऊपर देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे पूरा लाइट वगैरह सब फिट करना अभी बाकी है इसके अंदर। यहाँ पे विंडो 10x10 का काफ़ी बड़ा बेडरूम मिल जाता है ये इनको, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनको मिल जाता है, ये देखिए एक बोर्ड इधर है और एक TV का बोर्ड इधर है। सामने यहाँ पे होल्डर है, यहाँ पे AC का पॉइंट नहीं दिया है इन्होंने, हॉल में ही रखा हुआ है। तो चलते हैं इनके किचन के तरफ, किचन में इन्होंने क्या काम करवाया आप ये देख सकते हैं। उजाला थोड़ा कम मिलेगा, देख सकते हैं, अगर उजाला मिल गया तो अच्छी बात है। ये देखिए फिर भी अच्छा ही दिख रहा है जितना दिखना चाहिए। ये ऊपर PUP है हमारी तरफ से, और यहाँ पे एग्जस्ट फैन के लिए हम लोग ने जगह भी छोड़ के रखा है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक पॉइंट दिया है, यहाँ पर मिक्सर वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हो। और सेल्फ देखो, यहाँ वहाँ सेल्फ लगवाया है इन्होंने, जितने सेल्फ चाहिए थे वो सेल्फ इन्होंने लगवा के लिया। पानी की टाकी बाकी है, ऊपर इन्वर्टर का पॉइंट इन्होंने लगवा के लिया है। लाइट लग गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लाइट आपके पीछे यहाँ पे बोर्ड भी लग गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं, दो देखो इन्होंने जो किया है, आमने सामने टॉयलेट बाथरूम है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है। इन्होंने एल टाइप किचन नहीं करवाया है तो स्पेस जा भी काफ़ी अच्छा मिल गया है। तो अभी हम लोग जो है इनके बाथरूम को दिखा देते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये बाथरूम है, बाथरूम के अंदर भी आप देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है फुल टाइल्स। और इन्होंने देखिए यहाँ पे गीज़र के लिए पॉइंट छोड़ा हुआ है, गीज़र के लिए पॉइंट छोड़ करके गीज़र का नंबर लगा दिया है इन्होंने। अब इनकी मर्जी से यहाँ पे जो वो करना चाहे गीज़र वगैरह बाद में लगा सकते हैं। तो ये आपके सामने फुल टाइल्स वगैरह टोटल कम्प्लीट यहाँ पर कर दिया गया है। और अभी इस वक्त जो है अभी हम लोग अली भाई से बात करेंगे, अली भाई ने हमारे से किस तरीके से रूम वगैरह परचेस किया, तो आप लोग जो है बने रहिए और उनके इंटरव्यू में उन्होंने किस तरीके से हमारे से रूम परचेस किया है, तो आइए बात करते हैं अली भाई से। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ये रूम दिखाया, ये है हमारा दामाद गांव के अंदर 300 स्क्वायर फीट का अली भाई का रूम। ये हमारे पास जो है किस तरीके से आए, कहाँ से हमको मिले, ये तो पूरी डिटेल भी देंगे। और कितने साल से रेंट पर रहते हैं या खुद का घर है, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हमारी मुलाकात शायद दूसरी बार है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत भाई? अली भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। कितने टाइम हमारे से मुलाकात हुई और कितनी बार साइड पे आए हो? ये मैं अभी दूसरी बार साइड पे आया हूँ। और हमारी मुलाकात कितनी बार हो चुकी है? दो टाइम हो चुकी है। एक बार शायद मेरे ख्याल से जिस दिन परचेस किए थे उसी दिन मैं यही मिला था सामने, है ना?
और आज मुलाकात हो रही है अली भाई से, हमारी सेकंड बार मुलाकात है। अली भाई कहाँ रहते हो अभी आप? मैं मीरा रोड में रहता हूँ। मीरा रोड में रहते हो, खुद का घर या रेंट पे? रेंट पे। बाप रे बाप, मीरा रोड का नाम सुनते जाते मेरे दिल में थोड़ा सी धड़कन हुई है। कितना रेंट है वहाँ का? तो कितने साल से रेंट पे रह रहे हो अली भाई? अभी 7 साल हो गए मेरे को। क्या बात कर रहे हो आप, अगर अंदाजा लगाएंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे कम रेंट कितना दिया होगा आपने? सबसे कम 5.5। 5.5। अगर मिडल का 8.5 और 5.5 के बीच का अगर मैं मिडल पकड़ूं, और अगर 6,000 का रेंट पकड़ूं, तो 6,000 का 12 महीने कितना हुआ? 70,000 के आसपास। 72,000। हाँ, 72,000। 72,000 ये हुआ। 72 से कितने साल से रेंट पे हो? 7 साल हो। 7 साल से। 4,90,000। ये घर कितने का लिया है आपने? ये तो समझो 6.5 लाख रुपए का है। 6,75,000 का। 6.5 में तो मेरे को पड़ा है। 6.5 लाख रुपए का, यानी 4,90,000 रेंट गया। अब इनको जो ये रूम मिला है कितने का मिला है? 6.5 लाख। कितना रुपए दिया है? अरे 1,60,000 दे दिए। 1,60,000 रुपए में आपको ये घर बना करके, घर बना के मिल गया। अब ये रूम में रहने आने वाले हो, रेंट पे देना है? अभी रेंट पे देना है। नहीं नहीं, रहने रेंट पे देना है भाई को। नहीं नहीं, रहने आने वाला। अच्छा, संडे से इंशाल्लाह। ये संडे शिफ्टिंग ले लेंगे। शिफ्टिंग ले लेंगे। क्या बात है, हमारे अली भाई जो है संडे से रहने के लिए आ जाएंगे। सॉरी, आपको ये रूम रेंट पे नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं, बहुत लोग रेंट पे मांग रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्ट खरीद ही लेंगे तो आपसे वो बेहतर रहेगा। मेरी राय ये है कि आप इनसे डायरेक्ट खरीद लो, इंशाल्लाह। खरीद ही लो, डायरेक्ट खरीद लो। रेंट पे रहने नहीं आएंगे? रेंट पे कुछ क्यों? कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो बच्चे लोग को लेके यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। हाँ। स्कूल की सबसे ज्यादा मेन तकलीफ ये। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे। कितने साल के? 1 7 साल का, 1 4 साल। तो उनकी स्कूल भी चेंज करनी पड़ती है स्कूल के साथ साथ, है ना? बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। तो 7 साल से तकलीफ में हो? हाँ, 7 साल। तो घर लेने का इरादा कैसे बना? इरादा तो ऐसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ महंगाई बढ़ती आ रही है और अपने बजट के हिसाब से, मतलब जो इनकम है अपनी। हाँ। वो इनकम के हिसाब से हम ढूंढने लगे थे, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया था, फिर थोड़े हम ध्यान नहीं दिए, फिर यूट्यूब पे आपका देखते रहे। तो यूट्यूब पे किसने भेजा या डायरेक्ट देख लिया, कैसे क्या हुआ? हम लोग सर्च करते रहते यूट्यूब में। हाँ। तो और यूट्यूब क्या करता है, जो अपन देखते रहते वो वापस अपने को दिखाता है, उससे मुतालिक ये है। तो आपका देखा मैंने, और भी 2-3 जन का देखा। कब से वीडियो देख रहे थे? वीडियो कोई लॉकडाउन से, मतलब घर पे बैठे थे लॉकडाउन से, हम ये सब सर चालू कर दिए थे। क्योंकि तो अचानक से इतना भरोसा कैसा हो गया कि नहीं चलो ठीक है ले ही लेते, पैसा दे ही देते? नहीं, बाकी लोग सोच लो अगर पैसा मैं खा गया होता, डुबा दिया होता तो। नहीं, ऐसा तो मुश्किल लग रहा था आपके साथ में व्यवहार में। हाँ। बात से मालूम पड़ जाता है व्यवहार से। अच्छा, तो ऐसा लगा कि मतलब पैसे? हाँ, ऐसा लगा कि आप कर लेना चाहिए। तो ये डिसीजन लिया किसने, भाभी ने आपने? हाँ, मिलके हम लोग फैमिली ने। फैमिली कितने जने फैमिली मेंबर आप? मैं, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी। अच्छा, 2 बच्चे। तो आपकी मम्मी और आपकी वाइफ भी वीडियोस वगैरह देखते हैं? हाँ, देखते हैं। तो आपके काम पे क्या क्या काम करते हो आप? मैं बस चलाता हूँ। बस चलाते हो? बाप रे बाप, डेकर वाली बस चलाते? नहीं नहीं, प्राइवेट में चलाता हूँ। प्राइवेट में, मतलब वही बड़ी बस ही बस होती है भाई। तो बस चलाते हैं भाई हमारे। और कितने साल से बस वगैरह चला रहे हो? ये मेरे को तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल से बस। स्कूल की है या फिर प्राइवेट? ऐसे ही स्कूल भी किया, अभी प्राइवेट कर रहा हूँ। अभी प्राइवेट कर रहे हो? तो ये काफ़ी टाइम से आप बस वगैरह चला रहे हो, और ये घर लेने के बारे में अभी ख्याल लॉकडाउन के बाद से आना चालू हो गया कि पैसे जाना चालू है तभी से, इसकी वजह से? लॉकडाउन में थोड़ा बहुत कंडीशन डाउन हो गई थी, तो हिसाब से हम लोग सोचे कि जब भाड़ा दे रहे हो हिसाब से अपनी ईएमआई का कोई घर देख लेते हैं अपने बजट के हिसाब से, तो ये सूटेबल लगा। तो ये ईएमआई का जो सिस्टम है आपको तो बहुत सारी जगह देखने मिला होगा। हाँ, मगर पता नहीं, अपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे ना, इतराफ का बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वो भी ईएमआई पे देते होंगे ना? हाँ, ईएमआई पे देते हैं। तो फिर उनसे क्यों नहीं परचेस किया आपने? क्यों ऐसा लगा कि नहीं हमारे से ही परचेस करना था? नहीं, 1-2 जगह विजिट भी किया था। हाँ। मगर मेरे को पड़ताल नहीं खाया बराबर। हाँ। मैं सोचा कि पड़ताल नहीं खाया मतलब समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा, डील ऐसा लगता था कि सिर्फ पेपर पे होगा, जमीन तो उसकी हकीकत नहीं आएगी। अच्छा, और होएगी भी तो बहुत उसके अंदर परेशानी आएगी, ऐसा लगता था, ऐसा दिख रहा था। हाँ, आपने 2-3 जगह विजिट करने के बाद था। तो भी यूट्यूब पे जाकर के आपने विजिट करके आए थे?
YouTube पे एक दो जगह गया भी था मैंने, नहीं मतलब YouTube पे आपने जिस तरीके से YouTube पे देखा फिर उसके बाद ही विजिट किया या फिर उसके बाद ही विजिट किया था। उसके बाद ही विजिट किया, फिर वहाँ पे देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि मजा नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मतलब तो इसके लिए हमारे पास आपके पास है तो वो कितने वीडियो देखने के बाद आइडिया लग गया होगा हमारे? ऐसा तो YouTube पे तो टोटल मेरी YouTube हिस्ट्री देखेगी वीडियो तो 5000 से ऊपर है मैंने वीडियो देख चुका आज तक। अब ये घर के तालुक से कम से कम 200-250 वीडियो देखने के बाद आपको जो है थोड़ा सा आइडियाज आने लगा कि नहीं चलो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र और बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद ये एक्शन लिया कि नहीं अब इनको घर लेना चाहिए, है ना? बराबर। और अभी सबको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जो रेंट पे है वो रेंट से निकल के कोशिश करना चाहिए, थोड़ा मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। और जहाँ जहाँ रहते अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मुंबई में रहूँ सिर्फ थाना में, कोई कोई क्या सोचता है कि नहीं मैं इकट्ठा पैसा करूँ और देके आ जाऊँ, लेकिन क्या होता है इकट्ठा पैसा करने के टाइम तक के जगह का रेट बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, हर चीज का रेट बढ़ जाता है, बहुत चीज का फर्क पता पड़ जाता है। तो सबके पास पैसे इकट्ठे नहीं रहते, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो बना है ये कॉन्सेप्ट इसी के लिए बनाया अली भाई कि आपके पास इकट्ठा नहीं है तो आप थोड़ा 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 करके जमा करो, फिर उसके बाद में आपके 160,000-162,000 जो जमा हो जाए फिर जो जगह भी हमारी जो आपको दिखाया जाएगा वहाँ पे रूम बना के दिया जाएगा। तो ये सिस्टम हमने जो बनाया ये कैसा लगा आपको? ये सबसे बेस्ट सिस्टम लगा। और एक ऑप्शन ये भी है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा किया और आपको ऐसा लगा कि नहीं अब ये एरिया नहीं अच्छा लग रहा तो आप अपने पैसे मूव कर सकते हो। हाँ बराबर, आपके पास ये भी ऑप्शन है, आपकी दूसरी साइड भी इनकी, आप दूसरी तरफ भी शिफ्ट हो सकते, मतलब पैसे आपके कहीं पे भी आप अपने इधर उधर शिफ्ट भी कर सकते हो। आप पहले से बोलते आ रहे हो, ये तो ये भी अच्छी लगी मेरे को। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको ये बता दूं ये क्यों निकाला है। क्या होता है लोग बोलते हैं यार अभी मेरे फैमिली वाले वो एरिया में मना कर रहे हैं ये एरिया में लेने का बोल रहे हैं, तो बिल्डर क्या सोचते हैं कि नहीं अभी इनके पैसे यहाँ लग गए तो अब इनको यहाँ से वहाँ जाने के लिए क्या करे, इसका पैसा काट ले फिर उसको रुका दे, फिर वो कहते कस्टमर जरा डर जाता है। तो हमारे पास जो आने के बाद हम लोग ने जो ऑप्शन रखा है ये हमारे को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि कस्टमर हमारे पास जो फ्री रहे और इधर से उधर मूव करने में आसानी रहे, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और हम लोग जो है जो अभी इस वक्त ओपन प्लॉट रेडी रूम हम लोग ने काफ़ी चीज़ निकाल के रखा है। तो अभी ओपन प्लॉट हमारा खरड़ी में भी है, खरड़ी में झरंडी गाँव के अंदर हमारे पास वहाँ पे ओपन प्लॉट्स अवेलेबल है। हम लोग ने वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, उसका वीडियोस आपको आएगा और हम लोग ने नए सिस्टम के साथ वो अपडेट कर रहे हैं। तो पूछना है जानकारी लेना है तो लीजिएगा, लेकिन उसकी जानकारी वीडियोस आने के बाद ही मिलेगा कि वहाँ पे क्या होने वाला है। वाशिंग में 2 घंटे का प्लॉट हम लोग 2,00,000 रुपये घंटे के हिसाब से दे रहे हैं, 2,00,000 रुपया 1 घंटे का मिनिमम 2 घंटे का प्लॉट अगर आप लेना चाहो छोटा सा फार्म बनाने के लिए तो बना सकते हो। ये हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली हम लोग उसको जो है प्लॉट बना करके देंगे 2-2 घंटे का। तो आप चाहते वाशिंग स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे, खरड़ी वाला स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे, तो ये दोनों चीज़ जो है आपको मिल सकती है। नेरल में अगर आप चाहो तो 3,000 रुपये की महीने की EMI पे ओपन प्लॉट मिल सकता है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ हमारे पास है। 2,000 रुपये से लेकर के 11,000 रुपये की EMI, 15,000-16,000 रुपये की EMI तक हम लोग फ्लैट भी देते हैं महीने की EMI पे, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। हमारे अली भाई ने 7 साल रेंट पे रहने के बाद इन्होंने अभी खुद के घर को ताला नहीं मारा होगा? हाँ, मेरा खुद का घर जोगेश्वरी में भी मम्मी का है। हाँ, उनका है। तो मैं समझो मेरे ये तुम्हारे ये पैसे मम्मी ने दिए थे आपको? नहीं, मम्मी ने दिए, डैडी ने? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है उनका, मगर लगभग मेरा ही है। आपका ही है पूरा? हाँ, पूरी मेहनत के पैसे एकदम मेरा और मेरी वाइफ का, हम लोग दोनों मिल क्या बात कर रहे हैं, वाइफ और आप दोनों का मिल करके इन्होंने ये चीज का पैसा लगा। माशाल्लाह, आपका ये जो पैसा लगाने का कामयाब हुआ और 7 साल के बाद अभी आपके खुद के घर के घर को ताला मारने की बारी आपकी आ चुकी है। ये आपका ताला चाबी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये घर आपका है, अब इस घर में आपको आराम से रहना है। अभी हमारा काम इनको ताला चाबी देने का पूरा हो गया। अभी हमारे अली भाई संडे से यहाँ रहने आएंगे। संडे से रहने आ जाएंगे? चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, संडे से रहने आएंगे। कितने रुपए का EMI है अली भाई? 6,500 रुपये अब बच गए उनके, 8,500 से 6,500। खुद के घर में रह के देंगे, कोई चीज का टेंशन नहीं है, यहाँ पे आएंगे अब रहेंगे। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।